तो रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तो चल ही रही हैं, लेकिन किस प्रकार से ये तैयारियां की जा रही हैं, इसे जानने के लिए हमारी टीम रामनगरी अयोध्या पहुंची है। कैसे तैयारियां खास होने वाली हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या में किस स्तर पर कार्य चल रहा है, उसके लिए हम आपको लेकर आए हैं मूर्ति निर्माण कार्यशाला में, जहां पर वो तमाम मूर्तियां बनाई जा रही हैं जिन्हें भव्य राम मंदिर में स्थापित किया जाना है। यहां जो मूर्तियां बन रही हैं उसमें पूरी जो राम कथा है, पूरी जो राम कथा का सार है वो दिखाया गया है। जो पहली प्रतिमा है वो आप देख रहे हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ की प्रतिमा है कि जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और अग्निदेव ने प्रकट होकर उन्हें वो खीर का प्रसाद दिया, और उसके बाद की जो कथा आगे बढ़ती है उस कड़ी में आप देखिए कि किस तरीके से भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी राजा दशरथ के यहाँ जो चार पुत्रों ने जन्म लिया उस पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर भगवान राम की जो बचपन की लीलाएं हैं उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। उस तरीके से ये प्रतिमाएं जो हैं स्थापित की गई हैं। भगवान राम का जो बालपन है, जो बाल्यकाल है, थुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, उस तरह का बाल्यकाल। और फिर वहां से जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भगवान राम और उनके सभी भाइयों को भेजा गया वहां पर तमाम शिक्षा दीक्षा के लिए, वो प्रतिमाएं यहाँ पर तैयार होती हुई दिखाई दे रही हैं। उससे आगे आप चलें तो फिर जो भगवान राम की और चारों भाइयों की जो धनुर्विद्या है, जो आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उनकी प्रतिमाओं को बड़े सुंदर रंग से यहाँ उकेरा जा रहा है। अभी इन पर रंग रोगन होना बाकी है। फिर चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनहि ताड़का क्रोध कर आई, एक ही बाण प्राण हर लीना, यानी ताड़का वध की जो लीला है विश्वामित्र के साथ वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। विश्वामित्र के साथ जो यज्ञ हुआ वो यज्ञ में सुबाहु का वध और मारीच को भगवान ने जिस तरीके से 100 योजन दूर फेंका, उस लीला का वर्णन यहाँ पर किया गया है अलग अलग स्वरूप में। फिर विश्वामित्र के साथ भगवान आगे बढ़ते हैं तो अहिल्या उद्धार की जो कथा है वो आती है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ में राजा जनक जो है उनका फिर वर्णन बालकांड में आता है, तो वो प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देती है जब राजा जनक जब हल जोतते हैं और हल की सीत से वहां हल सीता माता प्रकट होती है, इसलिए उन्हें सीता कहा गया, वो प्रतिमा है। फिर आप उससे आगे ही कथा देख रहे हैं, जब भगवान राम मिथिला पहुंचे हैं तो मिथिला की जो तस्वीरें हैं, मिथिला की जो प्रतिमा है, उसका बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बनाया जा रहा है। और आगे चलते हैं तो फिर ये राजा जनक का दरबार है और धनुष यज्ञ की जो प्रतिमाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। धनुष यज्ञ हुआ और फिर उससे आगे की कथा है। इस तरीके से आप देखें तो फिर भगवान राम और फिर राजा जनक के दरबार में, ये भगवान राम और परशुराम के बीच जो संवाद हो रहा है धनुष टूटने के बाद, उसकी प्रतिमा यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ ही बालकांड की समाप्ति होती है और फिर अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। तो अयोध्या कांड में आप देखेंगे कि केकई की नाराजगी, दशरथ का विलाप और भगवान राम फिर अपने परिवार से आज्ञा लेते हुए वनगमन की ओर जाते हैं। तो यहाँ से राजकुमार राम जो है वो वल्कल वस्त्र धारण करके वनवासी राम बनते हैं और यहां से वो आगे बढ़ते हैं। उस कथा को आप देख रहे हैं, सभी से आज्ञा लेकर भगवान राम आगे बढ़ते हैं। तो फिर अयोध्या कांड की कथा में केवट प्रसंग जो है वो आता है। केवट के से भगवान जो है वो नाव को पार करते हैं, उस कथा को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो सुंदर मूर्तियां जो है वो बन रही हैं। फिर उससे आगे भगवान राम का वनगमन, उनके साथ प्रजावासी जहां तक आए थे, फिर ऋषि मुनियों से भगवान राम की मुलाकात होती है वन के अंदर। भारद्वाज ऋषि से भगवान मिलते हैं, उन्हें दर्शाया गया है, अलग अलग ऋषि मुनियों से भगवान मुलाकात करते हैं, उसे यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। अभी इन पर रंग रोगन होना बाकी है। फिर चित्रकूट जो है उसको यहाँ बनाया जा रहा है। और आगे चलते हैं तो ये फिर दशरथ का परलोक गमन, उस प्रतिमा को भी यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। दशरथ का परलोक गमन है और फिर आगे देखें तो भरत और शत्रुघ्न की अयोध्या में वापसी है और फिर भरत का क्रोध है, शत्रुघ्न का मंथरा को दुत्कारना, उस तरह की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। फिर और आगे आप चलते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रतिमा है ये भरत मिलाप की प्रतिमा यहाँ पर नजर आती है कि जब राम से भरत मिलने आते हैं वो प्रतिमा है। और फिर भगवान राम का शोक जब उन्हें ये खबर मिलती है कि अब दशरथ जो है वो नहीं रहे, तो उस तरीके से ये तमाम
प्रतिमाओं को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके साथ ही ये जो अयोध्या कांड की लीला है वो समाप्त होती है और इस तरीके से निरंतर जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। अभी भी निर्माण कार्य बहुत तेज गति से जारी है और फिर ये कथा यूं आगे बढ़ती है। आप सोचिए कि राम मंदिर में जब इन सभी प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा तो फिर वो लीला किस तरह की रहेगी, कितना भव्य नजारा वहां पर होगा, वो इन प्रतिमाओं के जरिए आप दर्शन कर सकते हैं। अभी पूरी राम कथा का संपन्न होना बाकी है। जैसे आप देख सकते हैं कि अरण्य कांड की लीला है और ये शूर्पणखा नासिका भंग जो है वो है, उसके बाद मायावी मृग जो है उसका उद्धार भगवान मारीच का करते हैं वो आप देख रहे हैं। उससे आगे की प्रतिमाएं अभी बनना बाकी है, यानी कि पूरी राम कथा को सुंदर मूर्तियों के माध्यम से राम कथा कुंज में यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये जो नई कार्यशाला है ये कार्यशाला बनी है मूर्ति निर्माण कार्यशाला, तो इस तरह से ये विस्तार यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस तरह के कार्य लगातार यहाँ पर निरंतर अनवरत जारी हैं।